हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे हम। इससे पहले हमने लॉज ऑफ मोशन में NLM में हमने 31 ईयर में हमने डिस्कस किए थे, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर कभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो अगर आप देखो पूरी ज़िंदगी भर याद रखो मेरा ये कॉन्सेप्ट, कभी भी तुम कुछ करते हो तो प्रॉब्लम आएगी। इट्स इम्पॉसिबल यार, इट्स इम्पॉसिबल कि प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, नीट की तैयारी कर रहे हो, IIT की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, ठीक है, प्रॉब्लम तो हमेशा आएगी यार। बट द मेन आगे कैसे बढ़ना, सक्सेस कैसे पाना है, ठीक है, तो सक्सेस पाने के लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ जाना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ जाना, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको समझने की कोशिश करो कि मैंने कैसे किया, सर ने कैसे किया, ठीक है, और कहाँ से मैं करूँ, उनके जैसे मैं कैसे करूँ। ठीक है, तो जब तुम ऐसे कोशिश करोगे, ठीक है, एफोर्ट करोगे, तो ऑब्वियसली 100% तुम सक्सेस होगे, तुम अच्छी रैंक लाओगे। ठीक है, अब एक बंदा जिसको समझ नहीं आता, चलो छोड़ देते हैं, ठीक है, अगर तुम उसको छोड़ दिए तो उसमें जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था वो भी तुम्हारे साथ गोल हो गया, फिर प्रॉब्लम हो अगले बार भी आएगा कहीं। तो इस टाइप से प्रॉब्लम को छोड़ नहीं, प्रॉब्लम कोई समझ नहीं आ रहा, उसको कोशिश करो, सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ जाओ। चलो, एक कहता है कि एक पार्टिकल पे फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। एक पार्टिकल पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, उस पे फोर्स जो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रहा है, उसका एक ग्राफ नीचे आपको दिया हुआ है। कहता है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द इंटरवल 0 to 8 सेकेंड। चलो, 0 to 8 सेकेंड जो है, 0 यहाँ है और 8 सेकेंड यहाँ है, तो पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा। अब मोमेंटम कैसे निकालेंगे यार, FT ग्राफ से। अगर आप थियरी पढ़े हो तो आपको पता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी एफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फोर्स और टाइम का ग्राफ बनाता हूँ, तो इसका जो एरिया होता है, दैट एरिया, ये फोर्स F हो गया और ये टाइम T हो गया, तो ये आ जाएगा FT। एरिया जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम, एरिया अंडर द कर्व, क्या बोलते हैं इसको, एरिया अंडर द कर्व, ये जो एरिया है दैट इज गिव द चेंज इन मोमेंटम। क्लियर होगा, इसका मतलब ये हुआ एरिया अंडर द कर्व निकालना है। अगर मैं इसे 0 to 8 तक चेंज इन मोमेंटम निकालना, तो 0 to 8 तक जो कर्व बना उसका एरिया निकालना पड़ेगा। मतलब मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, इस स्क्वायर का एरिया चाहिए, इस रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, वही चेंज इन मोमेंटम देगा। और ध्यान देना कि जो मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसके साइन भी कंसीडर करेंगे, बिना साइन के हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, वी ऑल्सो कंसीडर द साइन। ठीक है, अगर बिना साइन के करोगे तो आपको गलत आ जाएगा इस। ठीक है, चलो, तो यहाँ से चेंज इन मोमेंटम जो है 0 to 1 सेकेंड, एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/2, बेस ऑफ द ट्राइंगल बेस 2, हाइट ऑफ द ट्राइंगल 6, नीचे एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल ही है, 3 multiplied by 2 प्लस, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल 8 - 4, 4 multiplied by 3। ठीक है, तो इस ये, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, ये 2 ने 2 को काट दिया, ये 6 - 6 और प्लस 12, तो 6 ने 6 को मतलब 12 न्यूटन जो है, न्यूटन सेकेंड चेंज इन मोमेंटम, मतलब सी ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आ गया। जब कभी भी फोर्स और टाइम का ग्राफ बनेगा तो उसका जो एरिया होगा वो चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स देगा। ठीक है, क्योंकि जो इम्पल्स अगर पूछता तो इम्पल्स इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो ऐसे हम निकाल लेते, कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, चलो, ये कहता है बैलून आप मास से हम इज डिसेंडिंग डाउनवर्ड। चलो, एक बैलून है वो डाउनवर्ड डिसेंड हो रहा है। चलो, एक बैलून बना लेते हैं, ये बैलून और ये नीचे आ रहा है बैलून, इसमें एयर है और वो नीचे डाउनवर्ड आ रहा है,
डिसेंडिंग डाउनवर्ड विथ एक्सलेशन ए एंड ए इज लेस देन जी, ध्यान देना ये वैल्यू नीचे आ रहा है, ठीक है। हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम इट सो दैट इट मूव अपवर्ड, अब इस बैलून से मैं कितना मास बाहर निकाल लूँ जिससे ये ऊपर जाने लगे यार। तो अगर बैलून नीचे आ रहा है तो उसमें फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, सबसे पहले ये देखो, अगर बैलून नीचे आ रहा है तो नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि उस पर वेट एम जी नीचे लग रहा होगा, और बैलून वैक्यूम में तो रहेगा नहीं यार, अगर वैक्यूम में होता तो ये नीचे हमेशा आता, ठीक है। लेकिन बैलून एयर में होता है तो उस पर एयर का थ्रस्ट ऊपर लग रहा होगा, एयर का फोर्स, ठीक है, उसको मैं एफ बोल दे रहा हूँ, जो एयर अप थ्रस्ट लगा रही होगी। थोड़ा सा भी अगर फ्लूइड पड़े हो तो आपको पता होगा कि एयर चारों डायरेक्शन में रिजल्टेंट नेट, एयर का रिजल्टेंट फोर्स अप थ्रस्ट, जो भी एयर ऐसे फोर्स लगा रही है वेक्टर, उन सभी वेक्टर को रिजॉल्व करने के बाद जो भी आया है वो ऊपर है। अब ऑब्वियसली एम जी ज़्यादा है तभी तो नीचे आ रहा है, और ऊपर कैसे जाएगा जब एफ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पहले केस में इक्वेशन लिखूँ मैं, बोलो एम जी माइनस एयर का फोर्स एफ मास ऑफ द बैलून और एक्सेलेरेशन ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये कहता मैं इसे कितना मास बाहर निकाल दूँ जिससे ए एक्सेलेरेशन से ही ऊपर जाए, ठीक है। चलो तो मान लो इस बैलून से मैंने कुछ मास मैंने निकाल दिया m0 मैंने बाहर निकाल दिया, जिससे mg क्या हो गई, कम हो गई। अब जो एयर फोर्स लगा रही है, अब थ्रस्ट ज़्यादा हो गया, और इस पे जो ग्राउंड का फोर्स था, जो अर्थ लगा रही थी, mg कम हो गया, तो ये एक्सलेशन से ज़्यादा हो गया। तो अगर मैंने इसमें से m0 मास निकाल दिया तो इसके पास मास बचा कितना, m माइनस m0। तो अब इसका इक्वेशन लिखो, ठीक है। अब इसका इक्वेशन लिखोगे तो अब क्या इक्वेशन लिखूं बोलो, तो एफ बैलून एयर का फोर्स माइनस m माइनस m0g, मास इसका m डैश हो गया होगा, ठीक है, इसका m डैश, ठीक है। तो m, अब m माइनस m0 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलेरेशन टू, ये दोनों सिचुएशन का इक्वेशन है। पहले बैलून नीचे आ रहा था तो एयर का फोर्स ऊपर लग रहा था, एम जी ज़्यादा थी तभी नीचे आ रहा था, अब जब मैं कुछ मास निकाल दिया तो ये हल्का हो गया, और हल्का होने की अब थ्रस्ट ज़्यादा हो गया और ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमें एम नॉट मिल जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें, एफ माइनस एफ एम जी माइनस प्लस एम नॉट जी दैट इज इक्वल टू एम ए माइनस एम नॉट ए, ठीक है ना, क्लियर है। चलो एफ माइनस एम जी कितना है, एफ माइनस एम जी, यहाँ से एफ माइनस साइन लगा दोगे तो एफ माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस एम ए के इक्वल होगा यहाँ से, और ये ले जाके यहाँ पर रख दो, ठीक है। एफ माइनस एम जी कितने के इक्वल है, माइनस एम ए के, तो माइनस एम ए इधर से आया, एम नॉट जी इधर से आया, और एम ए इधर से आया, और माइनस एम नॉट ए। अब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को तो m नॉट चाहिए, और m नॉट कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये a, इसका मतलब ये हुआ कि m नॉट इधर आया तो m नॉट कॉमन हो गया, और a प्लस जी बचा, और ये उधर गया तो ये आ जाएगा 2ma। तो इसका मतलब ये हुआ कि m नॉट इज इक्वल टू 2ma और डिवाइडेड बाई a प्लस जी, मतलब अगर इतना मास निकाल दोगे तो बैलून ऊपर जाने लगेगा, 2ma a + g है भाई, है 2ma a + g, इतना मास रिमूव कर दोगे तो बैलून ऊपर जाने लगेगा यार, ठीक है। चलो अब ये देखो एक प्रॉब्लम है, कहता प्रॉब्लम देखो, तीन ब्लॉक्स हैं, ठीक है, वर्टिकल में है, 3m 2m m f, तीन ब्लॉक हैं। अब तीनों भी वेलोसिटी से एक फोर्स खींच रहा है, उसको फोर्स खींच रहा है, लेकिन नीचे भी कुछ फोर्स लग रहा है, अर्थ का लग रहा होगा ना इस पे एम जी वगैरह, अब बीच में इंटरनल फोर्स लग रहा है, टेंशन वगैरह। तो अगर ये तीनों कॉमन वेलोसिटी भी से ऊपर जा रहे हैं, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन 2m वाला, 2m कहाँ है, यहाँ है, तो 2m वाले पर नेट फोर्स कितना होगा यार। तो 2m वाले पर नेट फोर्स निकालने के लिए एक तो तरीका है कि हर एक पे फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, एक तरीका है हर पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इक्वेशन बनाऊं, उसको सॉल्व करूं और फिर मैं आंसर निकालूं।
दूसरा तरीका है कॉन्सेप्ट से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट से इसको कैसे करोगे, सब हमको पता है कि ये तीनों ब्लॉक को एक मान लो, इन तीनों ब्लॉक को एक मान लो, और ऊपर 4CF लग रहा है और नीचे 3MZ 2MZ और M, कुल मिला के जो भी नीचे, ठीक है, 6MZ नीचे लग रहा है, 6MZF के बराबर होगा तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी। नेट फोर्स जीरो है इस पे, नेट फोर्स जीरो है क्योंकि 6MZ अर्थ की ग्रेविटी एफ के बराबर होगा तभी तो बी से चलेगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक पे नेट फोर्स जीरो है, तो टू वाले पे नेट फोर्स क्या है, टू वाले पे नेट फोर्स जीरो है, मतलब जीरो ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। या नहीं तो अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो आप इसको करो, ठीक है। एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो एफ इधर लगा और यहाँ पे टेंशन टी लगा और ये वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। दूसरे 2M का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, टी इधर लगा, टी डैश इधर लगा और 2MZ नीचे लगा, ठीक है, और यहाँ से एक MG भी लगेगी, MG नीचे लगा। तो इसका जब इक्वेशन लिखोगे तो F अगर इसकी वेलोसिटी भी है, F माइनस टी प्लस MZ दैट इज इक्वल टू एक्सलेशन जीरो है ये, तो ये। अब दूसरा यहाँ से लिखो टी माइनस टी डैश और माइनस 2MZ दैट इज इक्वल टू एक्सलेशन जीरो है, तो फोर्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मुझे हमें चाहिए टी की, हमें चाहिए इस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है उस पर वैल्यू, इस पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज, वो कहाँ से निकलेगा यार, जब तक जो है टी डैश, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो एक टेंशन लग रहा है और एक 2MZ टी डैश, तो ये तुम्हें टी डैश निकालना पड़ेगा और टी निकालना पड़ेगा, टी डैश निकालना पड़ेगा और टी निकालना पड़ेगा। तो टी यहाँ से आ जाएगा और टी डैश एक और फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो एक और फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो इस पे, इसमें यहाँ टेंशन टी डैश और नीचे 3MZ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि टी डैश माइनस 3MZ दैट इक्वल टू जीरो, क्योंकि सभी का वेलोसिटी भी है। इसका मतलब ये हुआ कि टी डैश इज इक्वल टू 3MZ, तो टी डैश की वैल्यू 3MZ है और टी की वैल्यू जो है, वहाँ से देखो टी की वैल्यू, यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू जो है वो, यहाँ से टी की वैल्यू एफ माइनस एमजी के इक्वल आ जाएगा। तो अब यहाँ से मुझे इस पे जो फोर्स लग रहा है टेंशन, अब टी डैश की वैल्यू यहाँ रखोगे टी, तो टी माइनस टी डैश की वैल्यू रखोगे तो ये 3MZ और माइनस 2MZ दैट इक्वल टू जीरो, मतलब टी इज इक्वल टू 5MZ के इक्वल आ गया। तो टी इज इक्वल टू 5MZ के इक्वल आ गया। अब देखो जो ऊपर लग रहा है टी दैट इज 5MZ और नीचे जो लग रहा है वो 2MZ, तो ग्राउंड लगाया और टी डैश ये यहाँ से टी डैश, ठीक है, 3MZ, तो ऊपर 5MZ टी और नीचे 5MZ, कुल मिला के नेट फोर्स जीरो है। तो इस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा और इस पर भी कोई फोर्स नहीं लग रहा, किसी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये तो हो गया लॉजिक्स, ठीक है। ऐसे चलो नेक्स्ट, ये कहता है एक एक्सप्लोजन, एक बॉम है, ठीक है, एक एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोजिव कुछ है, बॉम वगैरह है, ब्रेक्स ए रॉक इनटू 3 पार्ट्स इन ए हॉरिजेंटल प्लेन है, ठीक है, उसमें एक रॉक है, उसके 3 पीस हो गए, इस तरह से हुए कि 2 ऑफ देम फ्लाई एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट 1 kg का, सेकेंड पार्ट, द फर्स्ट पार्ट 1 kg मूव विथ 12 एंड द सेकेंड पार्ट 2 kg मूव विथ 8 meter per second स्पीड, द थर्ड पार्ट फ्लाई ऑफ विथ 4 meter per second, इट्स मास कितना होगा। पहले क्वेश्चन को समझो, एक रॉक है, ठीक है, अगर आप फिजिक्स पढ़े हो, एक रॉक है, अब अगर ये रेस्ट में है, ठीक है, ये रेस्ट में है, तो अगर इस ये दो पार्ट में ब्रेक होता तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, एक इधर जाएगा तो दूसरा इधर आएगा। ये हजारों पार्ट में ब्रेक होता है, एक नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 पार्ट में ब्रेक होता है, तो इस तरह से मूव करेंगे
कि नेट मोमेंटम जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली नेट मोमेंटम जीरो था भाई, रेस्ट में था तो इनिशियली नेट मोमेंटम जीरो था। अभी इसके तीन पीस हुए, तो तीन पीस हुए तो ये इस तरह से मूव करेंगे कि नेट मोमेंटम जीरो हो गया। तो अगर इन्होंने कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है दो आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब एक जो है जिसका मास 1 kg है, ये 1 kg मान लेता हूँ, ये जा रहा है 12 m/s से, और दूसरा जो पीस है वो 2 kg का है, ठीक है, और वो जा रहा है 8 m/s से, ठीक है। तो इधर थर्ड पार्ट किधर जाएगा और कितने से जाएगा ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो उसका मास निकालना, आपको पता है थर्ड पार्ट किधर जाएगा, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, कि नेट मोमेंटम, देखो एक तरीका ये है इसको करने का कि इनिशियल मोमेंटम लिखो, फाइनल मोमेंटम लिखो, फिर इक्वेट करो, फिर वहाँ से अननोन वैल्यू निकालो। एक तरीका डायरेक्ट ओडली भी कर सकते हो, ठीक है, कि 8 अगर ये 8 इसका मोमेंटम इधर है और इसका मोमेंटम इधर है, तो इन दोनों का जो मोमेंटम है इधर ही कहीं आ रहा होगा, 90 डिग्री पे है तो इनके बीच इधर कहीं आ होगा, तो तीसरा वाला को इसके अपोजिट ही जाना पड़ेगा, इधर ही जाना पड़ेगा। व्हाट वो 4 m से जा रहा होगा, उसका मास हमें नहीं पता है, वही तो निकालना है, तभी तो नेट मोमेंटम जीरो होगा, इन दोनों रिजल्टेंट का मोमेंटम इधर होगा, तो तीसरा वाला तो इधर ही जाना पड़ेगा, ये तो क्लियर है, इसके अपोजिट ही जाना पड़ेगा नेट मोमेंटम, अदरवाइज मोमेंटम कंजर्व ही नहीं रहेगा। इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल, इनिशियल जीरो था तो फाइनल भी जीरो होगा। तो एक तरीका ये हो गया कि वेक्टर में सबको लिखो, इक्वेट करो, ठीक है, और दूसरा तरीका इसको शॉर्टकट डायरेक्ट कर सकते हो, इधर का मोमेंटम कितना हुआ, इधर का मोमेंटम बोलो, इधर का मोमेंटम हुआ 12 × 1, 12 हो गया P1, और इधर का मोमेंटम P2 कितना होगा, तो इधर का मोमेंटम P2 हुआ 8 × 2 = 16, ठीक है। तो नेट मोमेंटम ये कितना हो गया, P1² + P2² अंडर रूट, ठीक है, P1² 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 256, तो 200, 300, 400, 20 आ गया, ठीक है, तो 200, 300, 400, ठीक है, हाँ 20 आ गया, तो इसका इधर जो मोमेंटम आया वो 20 आ गया, निकाल लिया मैं, और इधर जो मोमेंटम आया वो भी 20 ही होगा, तो इधर का मोमेंटम 4m हो गया। अब 4m जो मोमेंटम है मस्ट बी इक्वल टू 20 के, अदरवाइज मोमेंटम कंजर्वेशन गलत हो जाएगा, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू 5 kg, इसका मास जो है वो 5 kg होगा, ठीक है, या नहीं तो ऐसे प्रोसेस से करना चाहते, एग्जाम में हमेशा प्रोसेस से करना चाहते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो लिखो, फाइनल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम भाई कितना है, फाइनल मोमेंटम लिखो, फाइनल मोमेंटम पहले का मोमेंटम, दूसरे का मोमेंटम, तीसरे का मोमेंटम, ठीक है, और ये सब वेक्टर रिजल्टेंट लेना है, ठीक है, तो वेक्टर रिजल्टेंट लेना, बात वही है, इसको मैं डायरेक्ट शॉर्टकट कर दिया, ठीक है, तो वेक्टर में इसको लिखो, फिर इक्वेट करो, दोनों को सॉल्व करो, ठीक है, बात यही है। इसी चीज़ को मैं समराइज करके कॉम्पिटिटिव मेथड की तरह लगाया कि आप ओरली कैसे करोगे, क्योंकि ऐसा नीट में काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत बार यार, ठीक है, चलो और आगे भी आएंगे इसके। कहता अपर हाफ ए इंक्लाइंड प्लेन, एक इंक्लाइंड प्लेन है उसके दो पार्ट कर दिए गए, अपर हाफ इज परफेक्टली स्मूथ और लोअर हाफ रफ है, ठीक है। अब एक ब्लॉक चलता है, ऊपर से चलेगा नीचे आएगा और नीचे आके भी रुक जाता है, रेस्ट से चला था रेस्ट ही रहता है, तो कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड लोअर हाफ द प्लेन इज म्यू। चलो अगर एक इंक्लाइंड प्लेन है मेरे प्यारे बच्चों, ये इसके मैंने दो पार्ट किए, अगर ये एल था, पूरा एल था, ठीक है, तो इसके दो पार्ट कर दिए एल बाई टू, तो ये वाला जो पार्ट है वो रफ है, यहाँ कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है और ये एंगल कुछ थीटा है। अब एक ब्लॉक चलेगा यार, कहाँ से चलेगा, ऊपर से रेस्ट से, यहाँ से एक ब्लॉक चलेगा यू इज इक्वल टू जीरो से, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फाइनली आते आते यहाँ भी रुक ही जाता है, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू निकालनी है। अब इसके करने के दो तरीके हैं,
पहला तरीका लेंदी है, दूसरा तरीका शॉर्टकट है। ठीक है, तो जो शॉर्टकट है वो कैसे करोगे? ठीक है, हालांकि अगर आप आगे का चैप्टर पढ़े हो तभी वो लगा पाओगे, पहले तो आप लॉज ऑफ मोशन से कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका है, पहला जो तरीका है वो काइनामेटिक से कर सकते हो, भाई यहाँ पर म्यू निकालना है, और जो शॉर्टकट तरीका है वह है वर्क एनर्जी। ठीक है, वो इसको करेंगे तो उनका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, वो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम इसको शॉर्टकट तरीके से कर देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है फिजिक्स में? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन करने का तरीका है। ठीक है, कहीं भी लगा दो, कभी भी लगा दो। ठीक है, अगर बहुत शॉर्टकट में क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलो, होता क्या है इसमें कि अगर कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है ये, ठीक है, उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, रियल, नॉर्मल, टेंशन, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, सूडो, रियल, सब, ठीक है, ऑल द फोर्सेज, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज। ठीक है, वर्क डन बाई द ऑल द फोर्सेज, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द लॉ, दिस इज द थियरम। ठीक है, वर्क डन ऑल द फोर्सेज, जितने भी फोर्स लग रहे हैं सब मिला के जितना वर्क करेंगे वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? जीरो। तो वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो हुआ। ठीक है, अगर इसी में पूछता कि यहां से चला था यहां आ गया, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो है। तो इस थ्योरम को अगर मैं लगाता हूं तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। चलो, जब ब्लॉक नीचे आ रहा तो कौन कौन फोर्स लग रहे हैं भाई? यहां से यहां आ रहा था तो इसमें नॉर्मल लग रहा था, एम जी साइन थीटा इधर लग रही है, और एम जी कॉस थीटा इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, एम जी कॉस थीटा। लेकिन जब यहाँ आएगा तो एक नया फोर्स फ्रिक्शन भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे एम जी कॉस थीटा हमेशा परपेंडिकुलर होता है, एम जी कॉस थीटा हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई वर्क नहीं होगा। वर्क डन बाई एम जी कॉस थीटा, वर्क डन बाई नॉर्मल जीरो होगा, वर्क डन बाई एम जी साइन थीटा होगा, यहाँ पे वर्क डन बाई फ्रिक्शन और एम जी साइन थीटा दोनों होगा। तो यहाँ से यहाँ तक मैं लगाता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक आया, देखना मैं कैसे लगा रहा हूँ। ठीक है, चलो, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, तो वर्क डन बाई द फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई एम जी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू जीरो। यही दो फोर्स वर्क करें, बाकी कोई वर्क ही नहीं करा। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का वर्क डन निकाल लो। तो फ्रिक्शन का वर्क डन कैसे निकालते हैं? वर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब यहाँ आएगा तो यहाँ तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? एल बाई टू। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट एल बाई टू, और फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एल, म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा, और ठीक है, और ये निगेटिव आएगा, फ्रिक्शन का वर्क डन निगेटिव आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे है, फ्रिक्शन ऊपर, और प्लस वर्क डन बाई एम जी साइन थीटा। जब यहाँ से यहाँ आएगा तो वर्क डन बाई, यहाँ से यहाँ तो वर्क डन एम जी, फ्रिक्शन का जीरो होगा, यहाँ से यहाँ वर्क डन बाई एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा का वर्क डन पॉजिटिव होगा, एम जी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट दैट इज मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ एम जी ने एम जी को ख़त्म कर दिया, और एल बाई टू नहीं, एम जी ने एम जी को ख़त्म कर दिया, तो इधर इधर बचा, एल ने एल को ख़त्म कर दिया, तो माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, माइनस ने माइनस को ख़त्म कर दिया, तो म्यू इज इक्वल टू टू टेन थीटा, म्यू इज इक्वल टू टू टेन थीटा। तो इसे बहुत आसानी से हो गया यार, म्यू इज इक्वल टू टू टेन थीटा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को म्यू इज इक्वल टू टू टेन थीटा।